इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी योहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं। एक विशाल जन समूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग ईसा के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया। कोई बोने वाला बीज बोने निकला, बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है, दूसरों को केवल दृष्टांत मिले जिसे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है, रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें, इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है, वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन का भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सकें। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। ईसा एक दिन अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ गए और उनसे बोले, हम झील के उस पार चलें। वे चल पड़े। नाव चल रही थी और ईसा सो गए। तब झील में झंझावात उठा, नाव पानी से भरी जा रही थी और वे संकट में पड़ गए। शिष्यों ने ईसा के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, गुरुवर गुरुवर, हम डूब रहे हैं। वे जाग गए और उन्होंने वायु तथा लहरों को डांटा, वे थम गईं और शांति छा गई। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों का विश्वास कहाँ है? उन पर भय छा गया और वे अचंभे में पड़कर
आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? ये वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं और वे इनकी आज्ञा मानती हैं। वे नाव से उतरकर गिरासेनियों के प्रदेश पहुंचे, जो झील के उस पार गलीलिया के सामने है। ईसा ज्यों ही भूमि पर उतरे, उस नगर का एक अब्दूतग्रस्त मनुष्य उनके पास आया। वह बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था और घर में नहीं मकबरों में रहा करता था। वह ईसा को देखकर चिल्ला उठा और दंडवत कर ऊंचे स्वर से बोला, ईसा, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे न सताइए। क्योंकि ईसा अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य से निकल जाने का आदेश दे रहे थे। अशुद्ध आत्मा उसे बार बार लग जाता था और वश में रखने के लिए लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ देते थे, किंतु वह अपने बंधनों को तोड़ देता था और अशुद्ध आत्मा उसे निर्जन स्थानों में ले जाया करता था। ईसा ने अब्दूत से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि उस मनुष्य में बहुत से अब्दूत घुस आए थे। वे ईसा से अनुनय विनय करते रहे कि वे उनको अथा गर्त में जाने का आदेश न दें। वहां पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने ईसा से विनती की कि वह उन्हें सुअरों में घुसने की अनुमति दें। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अब्दूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और वह झुंड तेजी से ढाल पर से झील में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। यह देखकर सुअर चराने वाले भाग गए और उन्होंने नगर तथा बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह मनुष्य जिससे अब्दूत निकले थे, कपड़े पहने शांत भाव से ईसा के चरणों में बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह अब्दूत ग्रस्त का उद्धार हुआ। तब गिरासेनी प्रदेश की सारी जनता ने अत्यंत भयभीत होकर ईसा से यह निवेदन किया कि वे उनके यहाँ से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़कर लौट गए। जिस मनुष्य से अब्दूत निकले थे, वह ईसा से यह विनती करता रहा कि मुझे अपने साथ रहने दीजिए, पर ईसा ने उसे विदा करते हुए कहा, अपने यहाँ लौट जाओ और लोगों को यह बताओ कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वह जाकर सारे नगर में यह सुनाता फिरता रहा कि ईसा ने मेरे लिए क्या क्या किया है। जब ईसा लौटे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय सभागृह का जैरूस नामक अधिकारी आया और ईसा को दंडवत कर उनसे अनुनय विनय करता रहा कि वह उसके यहाँ चलने की कृपा करें, क्योंकि उसकी लगभग 12 बरस की इकलौती बेटी मरने पर थी। वे उसके साथ चले। रास्ते में भीड़ चारों ओर से उन पर गिरी पड़ती थी। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका था। उसने पीछे से आकर ईसा की चादर का पल्ला छू लिया और उसका रक्तस्राव उसी क्षण बंद हो गया। ईसा ने कहा, किसने मेरा स्पर्श किया? सबके इनकार करने पर पेत्रुस बोला, गुरुवर, चारों ओर से लोग आपको घेर लेते और आप पर गिरे पड़ते हैं। ईसा ने कहा, किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया। मैंने अनुभव किया कि मुझसे शक्ति निकली है। यह समझकर कि मैं छिप नहीं सकती, वह स्त्री डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर उसने सबके सामने बताया कि मैंने क्यों उनका स्पर्श किया और मैं कैसे उसी क्षण स्वस्थ हो गई। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से कोई यह कहने आया, आपकी बेटी मर गई है,
अब आप गुरुवर को कष्ट न दीजिए। किंतु यह सुनकर ईसा ने उससे कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए और वह चंगी हो जाएगी। उन्होंने घर पहुंचकर पेत्रुस, योहन तथा याकूब और लड़की के माता पिता के सिवा किसी को अपने साथ अंदर नहीं जाने दिया। सब रो रहे थे और उसके लिए विलाप कर रहे थे। ईसा ने कहा, मत रो, वह नहीं मरी, सो रही है। वे उनकी हंसी उड़ाते रहे, क्योंकि वे भली भांति यह जानते थे कि वह मर गई है। ईसा ने उसका हाथ पकड़कर पुकारा, ओ लड़की, उठो। उसके प्राण लौट आए और वह उसी क्षण उठ खड़ी हो गई। ईसा ने उसे कुछ खिलाने को कहा। उसके माता पिता दंग रह गए, किंतु ईसा ने आदेश दिया कि वे इस घटना की चर्चा किसी से नहीं करें।